चीता मित्र सम्मेलन में सेसईपुरा आए सीएम मोहन यादव आत्मीय स्वागत देख बोले कि बार बार आता रहूंगा। प्रोटोकॉल के नाम पर विधायक राम निवास रावत भरे मंच पर प्रशासन को लिया आड़े हाथों। सीएम ने विधायक को रुकने के लिए किया इशारा। खबर कराहल से है जहां वनांचल स्थित ग्राम सेसईपुरा में चीता मित्र सम्मेलन में साइकिल वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए। आपको बता दें कि सीएम यह बनने के बाद उनका श्योपुर जिले में पहला दौरा था, इसके चलते सीएम के सम्मान में यादव समाज ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ ही सीएम का साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया गया, साथ ही चांदी का मुकुट पहनाया गया और श्योपुर की मशहूर काष्ठ कला से बना कृष्ण भगवान का रथ स्मृति चिन्ह स्वरूप भेंट किया गया। बेकाबू भीड़ को नियंत्रण करने में पुलिस प्रशासन को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। इसी के साथ ही मंच पर मौजूद क्षेत्र के कांग्रेस विधायक राम निवास रावत ने अपने भाषण में जनता के जरूरी मुद्दे उठाए, जिनमें भील भिलाला पटेलिया के जाति प्रमाण पत्र, कराहल को नगर पंचायत का दर्जा, सेसईपुरा में हॉस्पिटल बनाए जाने आदि मांगों को लेकर सीएम यादव ने गंभीरता से लिया और तुरंत इन्हीं कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की घोषणा कर डाली। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोले कि हम जनता के काम के आड़े आ रही कानूनी बाधा को अगर दूर नहीं कर पाए तो सरकार चलाने से क्या फायदा। देखिए संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक तो यहाँ कुछ एक सड़क की बात आई है, तो एक सड़क की तो मैं यही घोषणा कर रहा हूँ अभी आपके बीच में से, जिनके कारण से आने जाने के लिए 19 करोड़ की लागत से पाली बर्दा बुजुर्ग जंक्शन से चिकित्सा महाविद्यालय तक के सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्षेत्र के विकास की बड़ी मदद मिलेगी। आपने कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करी या इसी जगह की, क्या उससे सही बोला? तो मैं यहीं से एक नया छोटा चिकित्सालय बनाने की घोषणा करता हूं, जो अपने बीच में यहां के लोगों को लाभ देगा। इसके अलावा जो आपने चाहा है, हमारे पास खास करके इसी क्षेत्र में पूनो राष्ट्रीय उद्यान पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के माध्यम से पेट्रोल पंप का भूमि पूजन भी आज ही किया है, ताकि भविष्य में पेट्रोल लेने के लिए भी जाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, यही वो सौगात मिलेगी। मुझे ध्यान में आया है कि लगभग कितने मित्रों को साइकिल दे रहे हैं यहाँ पे? 350 किस किस को मिल रही है साइकिल? किस किस को मिल रही है? ये क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ। 350 साइकिल की सौगात यहाँ दी जा रही है। ये अपने क्षेत्र के अंदर अपने जीवन में भी बदलाव लाएगी और भविष्य में उम्मीद करेंगे आपको मोटरसाइकिल मिले। चिंता मत करो, आप अपने काम धंधे इतने खुलेंगे कि हमारे लोग आज मोटरसाइकिल चलाए कल मोटरसाइकिल चलाए। आज अपने क्षेत्र के अंदर विकास के मामले में जितने प्रकार के भी यहाँ रोजगार के संसाधन है, प्रत्येक क्षेत्र को जोड़कर के सरकार के सभी विभागों का तालमेल जो मिलाकर के यहाँ भविष्य में न केवल हमारे पर्यटन के केंद्र के नाते से इसको जाना जाए, बल्कि पर्यटन केंद्र के अलावा भी कई सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर रोजगार भी मिलता है और बाकी क्षेत्र को बदलने के लिए बड़ी वो भूमिका अदा करते हैं। तो सम्मिलित रूप से कई विभागों को लेकर के बैठेंगे और इस पूरे क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। आज तो थोड़ा समय कम पड़ा है, मैंने कोशिश की थी जल्दी से जल्दी आने की, लेकिन फिर भी 137 करोड़ की लागत से कूनो पे नदी का पुल और 7 करोड़ की लागत से नल जल योजना का यहीं पर हमने आज भूमि पूजन किया है। ये बड़ी सौगात में क्षेत्र को मिलने जा रही है, जिसका लाभ आपके क्षेत्र को मिलेगा। वाकई मैं पहली बार आया हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे इतना आनंद आया कि अपने परिवार में आ गया। मुझे पुलिस वाले रोक रहे हैं और मेरे भाई रुक नहीं रहे, ऊपर ऊपर गिरते गिरते कोई माला पहना रहा, कोई हाथ मिला रहा, कोई जिस प्रकार से आत्मीयता दे रहा है, मुझे लगा कि बार बार आना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा। ये प्रेम आपका हमारा बरकरार रहे। तो मैं चाहता हूं कि कुछ कामों के लिए निवेदन करूंगा। आखिर ऐसी क्या कारण है कि हम इतने लंबे समय के बाद समुदाय देते जा रहे हैं, लेकिन यहां से गरीबी अभी तक नहीं मिट पाई। गरीबी हटाने का नारा इंदिरा जी ने भी दिया, आवास देने की प्रक्रिया इंदिरा जी ने भी चलाई और उनको पेंशन देने की योजना भी चलाई। ये सारे काम किए और चलते आ रहे हैं। पहले छोटा आवास मिलता था, अभी आपके समय में सभी को आवास दिए जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम वही की वही हैं। लेकिन ये समस्या खत्म कब होगी?
जब होगी जब हम उनकी गरीबी मिटाएंगे। इसमें मैं यही निवेदन करूंगा के लिए एक साधन और था, जंगलों से चीड़ और गोंद एकत्रित किया करते थे, तो आज भी कहीं रोक नहीं है। आपकी ही वन विभाग की नीतियों में चीड़ और गोंद लाने के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ वन विभाग ने उनका चीड़ और गोंद लाना बंद करा दिया गया है। और यहाँ के जो वन ग्राम है वहां पर आवास के लिए पट्टे नहीं दे पा रहे हैं, तो वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में घोषित कराने की व्यवस्था करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और इसी के साथ साथ यहाँ इस क्षेत्र में भील गुलाला और पटेलिया जाति के भी आदिवासी रहते हैं, ये सब बाहर से माइग्रेट होके आए हैं, इस कारण से इनके बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे एस टी के, ऐसी व्यवस्था बनाए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एस टी के होने के बाद भी उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे, तो इसके लिए भी ये व्यवस्था कराए। और सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए कूनो फर्स्ट और कूनो सेकेंड, ये इसका सर्वे हो चुका है, इसको शिकायत कराने की व्यवस्था कराए। और इसी के साथ साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रशासन उसी तरह से चलेगा जैसे आप चाहो। प्रशासन कैसे काम करेगा, मैंने जो कहा गरीबी तब तक नहीं मिटेगी जब तक प्रशासन मिटाने का संकल्प नहीं लेगा। प्रशासन जिस तरह से चाहेगा, आप चाहोगे उस तरह से चलेगा। मैं यही निवेदन करूंगा, अभी आपकी कूनो में मीटिंग हुई सेंचुरी के संबंध में, चीता प्रोजेक्ट के संबंध में चर्चा हुई आपकी, मुझे बड़ा खेद है कि वहां विभाग द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। हो सकता है तो अभी के अधिकारियों की ज्यादा प्रतिबद्धता हो मुझसे, मैं रात दिन यहाँ रहता हूँ लोगों के बीच में, कम से कम प्रोटोकॉल के नाते चलो कुछ नहीं कहूँगा, आप मना कर रहे हैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। राजनीतिक प्रतिबद्धता या राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विकास के मामले में आप और हम एक हैं, कर्म के मामले में आप और हम एक हैं। हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि गरीबों की आंखों से आंसू पहुंच सके और उनके चेहरे में खुशियां ला सके। इसी के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप इस वनांचल में आए, और मैं पुनः अपने क्षेत्र की जनता से निवेदन